We have a very strong intention of taking it from 14 all the way to number one, building it out from this part of the world, and continue to be an Indian company which goes out and becomes a world dominant player, because we have no questions in our mind that the next decade belongs to this country. Hello, dosto. Aaj hum baat karenge OYO Rooms ke baare mein. Ye to hum sabhi jante hain ki OYO Rooms logo ko online kamre available karata hai. Lekin ye baat kuch hi log jante honge ki aaj company duniya bhar ke 500 shaharon mein 8500 se zyada hotels mein 4.6 lakh rooms ka sanchalan karti hai. गुरुग्राम स्थित करीब 3700 कर्मचारियों और 40 लाख से अधिक कमरे बुक करने वाली कंपनी का सालाना टर्नओवर 400 मिलियन रुपए है। एक बार अच्छे कमरे के लिए रात भर भटकने पर रितेश अग्रवाल ने देखा कि कहीं रिसेप्शनिस्ट सो रहा है तो कहीं बिस्तर बाथरूम खराब है, कोई कार्ड से पेमेंट नहीं लेता तो कोई महंगे कमरे देता है। तब 2013 में 21 साल की उम्र में रितेश ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर एक कमरे से अपना बिजनेस शुरू किया, जहां वो खुद मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ की तरह दिन में काम करते थे। I used to do absolutely everything at the hotel. I was the guy who was transforming the hotel. I was the guy who was doing F&B. I was the guy who was doing front office work. I was the guy who was spending time with the guests and so on. और रात में अपनी ऐप के लिए वो कोडिंग करते थे। फिर जून 2013 में रितेश ने 3 कमरे और 2014 में 13 कमरे बनाए। आज 230 भारतीय शहरों में 1.73 लाख कमरों के साथ OYO Rooms भारत और अन्य 8 देशों का जाना पहचाना ब्रांड है। तो चलिए अब ये सब जानने के बाद जानते हैं OYO Rooms का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। OYO Rooms उन होटल्स और गेस्ट हाउसेस की लिस्ट बनाता है जिनके साथ वो बिजनेस कर सके। उसके बाद उन होटल्स के कमरों को OYO Rooms के साथ शामिल किया जाता है। OYO Rooms के पार्टनर्स होटल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कमरों को डिजाइन करते हैं, जिसके बाद OYO Rooms की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उन कमरों की बुकिंग शुरू हो जाती है। साइन अ प्रॉपर्टी, स्टैंडर्डाइज इट, सेल and ensure that you deliver a great experience every time. That were the 4 basics that we learned, and that is what got us ready for the next generation of growth for our business. So whenever you're starting a business, get your shit in order, make sure that you know what are the 3 or 4 magic things that you have, and focus on doing just those 4 things and not many other items. Company ka business model aggregator business model ke jaise hi hota hai. OYO बाकी कंपनी और होटल्स के साथ मिलकर लोगों के ठहरने, खाने पीने और घूमने की व्यवस्था करती है। इसके लिए OYO ने कई नामी होटल्स के साथ साझेदारी की, जिसमें रितेश ने होटल ओनर्स से सुविधाएं बढ़ाने, स्टाफ को ट्रेनिंग देने, ब्रांड इमेज मैनेजमेंट जैसी शर्तें रखी, क्योंकि पार्टनर्स के मुकाबले कंपनी के लिए ग्राहक ज्यादा जरूरी है। दैट वन प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी ऑफ 90%, ओनर मेकिंग मोर मनी एंड ब्रांड बीइंग आउट देयर were the 3 things that we felt were the little basics that we had to set before we could go and sign up more properties. चलिए अब बात करते हैं OYO Rooms के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। OYO Rooms रीसेल बेसिस पर कमाता है। कंपनी हर महीने एडवांस पे करके होटल्स में कुछ कमरे रेंट पर लेती है, जिन्हें वो अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों को रीसेल करती है। अब चाहे ग्राहक कमरों में ठहरे या ना ठहरे, पर होटल ओनर्स को एडवांस में अपना पैसा मिल जाता है। माना कि OYO Rooms उन कमरों को 2500 रुपए में अपनी वेबसाइट और ऐप पर बुकिंग के लिए डालता है, जबकि असल कीमत 2000 रुपए होती है। ऐसे में कमरा बुक होने पर कंपनी को 500 रुपए की बचत होती है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। OYO Rooms के अलावा वर्कप्लेस के लिए फुली फर्निश्ड रूम्स और फ्लैट्स भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही पार्टीज वगैरह के लिए भी OYO अब स्पेस प्रोवाइड कराता है। कंपनी ने OYO फ्लैगशिप नाम से एक सर्विस शुरू की है, जिसमें कंपनी लग्जरियस रूम्स ग्राहकों को देती है। B2B मार्केट में इससे जहां होटल मालिकों को तो मुनाफा होता ही है, वहीं कस्टमर्स को भी बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए कंपनी ने OYO नियर यू सर्विस शुरू की है, जिसमें वाइन टेस्टिंग, हाउस पार्टी, कॉमेडी शो, लाइव परफॉर्मेंस और मूवी स्क्रीनिंग जैसी सर्विसेज हैं। OYO Rooms में ग्राहकों को कमरों में वाईफाई, साफ सफाई, गीजर, हीटर, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं।
रितेश के लिए ये सब बिना इन्वेस्टमेंट्स के कर पाना नामुमकिन था। These dreams led me to one day apply for something that's called the Thiel Fellowship. Peter Thiel, who started PayPal, early invested in Facebook. He gives $100,000 to 20 people across the world, but the condition is you have to stop out of college. The acceptance rates are lower than any other Ivy Leagues. I was the first Asian resident to be a Thiel Fellow. That was a turning period of my life. Thank you. क्या आप जानते हैं 2012 में ओरेवल स्टेज का नाम बदलकर ही ओयो रूम्स हुआ, जिसके बाद कंपनी को कई अलग अलग ग्रुप से करीब $475 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसमें थाइल फेलोशिप, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल, ग्रीन ऑक्स कैपिटल और सॉफ्ट बैंक ग्रुप जैसे नामी इन्वेस्टर्स शामिल थे। जहां 2015 में कंपनी ने जो रूम्स को खरीदा, वहीं साल 2017 में ओयो ने 10 भारतीय शहरों में ओयो होम लॉन्च किया। कंपनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ओयो होम अप्रैल 2018 में दुबई में लॉन्च किया और मार्च 2019 में यूरोप की लेजर ग्रुप कंपनी को $460 मिलियन से अधिक में खरीद लिया। इस साल एयरबीएनबी में 150 से 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर ओयो कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनी। चलिए अब आखिर में जानते हैं ओयो रूम से जुड़ी कुछ रोचक बातें। ओयो रूम्स का आइडिया रितेश को टीवी के रिमोट कंट्रोल से आया था। उनका मानना था जैसे टीवी को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही घर बैठे ऑनलाइन कस्टमर को होटल प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी चीन के 280 शहरों में 5000 से अधिक होटल्स में 260,000 रूम्स ऑपरेट करती है। यहाँ तक कि चीन में ओयो की पहुंच बढ़ाने के लिए रितेश अग्रवाल ने अपना नाम रितेश से बदल कर ली टैक्सी तक कर लिया। ओयो रूम्स ने सऊदी अरब के 50 होटल्स के साथ समझौता किया। समझौते के तहत ओयो के पास सऊदी अरब के 7 शहरों में 3000 से ज्यादा कमरे हैं। इंडोनेशिया के 16 शहरों में 150 होटल चला रही ओयो देश के 100 शहरों में अपनी पकड़ बनाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी 2019 के अंत तक 70 होटल प्रति माह अपने साथ जोड़ेगी। कंपनी की इंडोनेशिया में अगले 5 सालों में 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना है। फिलहाल 68 टाउनहाउस होटल वाली ओयो रूम्स 2019 में ही 500 टाउनहाउस होटल्स जोड़ने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य 2023 तक दुनिया भर में 25 लाख कमरे खड़े करने का भी है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए डाउनलोड करें शॉर्टपीडिया ऐप, जो आपको सभी खबरें 70 शब्दों में बताएगी और साथ ही आप ये खबरें सुन भी सकते हैं। धन्यवाद।